हम खड़े हैं इस समय वाराणसी के शास्त्री घाट कचहरी वाराणसी पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर, और आपको मैं दिखा रहा हूँ कितनी विशाल जो साज सज्जा आज डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा की गई है। उत्सव है डॉक्टर अंबेडकर का जो अंतिम जो संदेश था उसको लेकर। और मेरे साथ इस समय समाज सेवी बुद्ध मित्र मुसाफिर जी हैं यहाँ पर, जिनकी संरक्षता में आज ये कार्यक्रम हुआ। 50,000 से ज़्यादा लोग देश विदेश से यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में आए और धम लाभ उठाया। सर स्वागत है समता आवाज़ टीवी पर आपका। पहले तो समता टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप सब यहाँ आए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंतिम भाषण जो 24 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर 1956 में दिया था उसकी स्मृति में ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, और साथ ही साथ संविधान दिवस के स्मृति में भी यह कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित हुआ, उसमें आप लोगों ने जो समाज को यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसको दिखाने के लिए जो कार्यक्रम उसके लिए धन्यवाद। मुसाफिर जी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पहले हम इस पूरे जो स्मारक को आज आपने ऐतिहासिक रूप से इसको फूलों की साज सज्जा से सजाया है, एक बार उसके बारे में आप थोड़ा चलते चलते ब्रीफ कर दें। ये तो आप समझिए कि ये मूर्ति का तो इतिहास है कि 1978 में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थापना समिति बनी जी, और समिति बनने के बाद लोगों ने उस समय बहुत संघर्ष किया, विधानसभा में पर्चा फेंके, चूँकि ये जो कचहरी इतना बड़ा गोल पार्क आपको बनारस शहर में नहीं है, तो उन लोगों ने पत्थर की मूर्ति यहाँ पर लगाई थी 1978 में, राजनारायण जी उसका उद्घाटन किए थे। लेकिन चूँकि हम भी चूँकि नौकरी करते हैं, इसके बाद मुझे 2007 में मिशन समझ में आया, अंबेडकर मिशन जी। समझने के बाद जब ये पत्थर की मूर्ति, बहुत छोटी पत्थर की मूर्ति थी, हाथ नीचे थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि बाबा साहब के अंबेडकर की मूर्ति या किसी की मूर्ति है। क्या कह रही है, मतलब हाथ नीचे, तो मतलब हाथ नीचे था और संविधान जैसे किताब था, संदेश ही नहीं जाता था जी। तो हम लोगों ने संकल्प लिया यहाँ के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले हम लोगों ने संकल्प लिया। 2010 में यहाँ पर एन एस रवि साहब थे, मंडलायुक्त थे, रविंद्र डीएम थे, उन लोगों से वार्ता हुई कि हम लोग ये चाहते हैं कांस धातु की मूर्ति यहाँ पर लगे जी। उन लोगों ने, जब मैं जा करके उनसे मिला और मैं उसका चेयरमैन था, अंबेडकर जयंती समारोह समिति का चेयरमैन, उनसे मैंने बात किया कि सर हम लोग मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो देखो चला आता मूर्ति लगाने के लिए। अच्छा। तो ये बताओ जो मूर्ति लगाने जा रहे हो आप लोग इस पार्क में, कचहरी स्मारक जो बनाने जा रहे हो, तो हमारी इच्छा यदि तुम्हें लगाना ही है तो कांस धातु की मूर्ति लगनी चाहिए, वो भी जो लखनऊ में बहन मायावती जी ने लगाया है वैसी मूर्ति लगनी चाहिए जी। अब वो संकल्प के साथ हम लोगों ने काम किया और इस मूर्ति को लगाने में 14 लाख रुपया लगा, और लगने के बाद 2010 में 14 अप्रैल 2010 में माननीय एन एस रवि साहब ने इस कांस धातु के जो आप प्रतिमा देख रहे हैं उन्होंने लगाया। अब लग गई, लगने के बाद एक मन में बार बार विचार होता था कि आज हम लोग अपने बच्चे के बर्थडे में कुछ खर्च करते हैं, हम लोग अपने मैरिज एनिवर्सरी में खर्च करते हैं और बच्चों की शादी में खर्च करते हैं, लेकिन जब हम अच्छा सा होटल में, अच्छा से लॉन में, अच्छे से रिसॉर्ट में यदि हम कार्यक्रम करते हैं, तो जिस महापुरुष के वजह से आज हम लोग समाज में उच्च पद पर हैं, IRS भारतीय राजस्व सेवा में मैं हूँ, आज क्लास 1 अफसर भी हूँ, तो जिसके वजह से हूँ, उसका सम्मान में जितनी सजावट किया जाए, जितना उनके प्रति आदर श्रद्धा प्रकट किया जाए वो कम है, उसी को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर स्मारक कचहरी को सजाया गया। अब सजाने के पीछे क्या था, आप कभी कभी महसूस करते होंगे कि जब कोई आदमी नहीं रहता, घर से बाहर होता, तो वो लोग मान लो पिताजी मरने वाले हों, आके पूछता है कि अरे भाई पिताजी मरने से पहले कुछ कहे थे जी। आज वही मन में बात आते, बाबा साहब अंबेडकर अपने मरने से पहले सारनाथ वाराणसी में ही संदेश देकर गए, और वो संदेश को मैंने जब पता किया लोगों को तो संदेश मालूम ही नहीं जी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 1956 तक जो संदेश दिया, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय संविधान है जी।
तुम इस बात पर तय करो, इस बात पर विचार करो कि तुम्हारा जीवन भारतीय संविधान पर संचालित होता है या धर्म ग्रंथों पर संचालित होता है। और यदि धर्म ग्रंथ पर संचालित होता है, केवल धर्म ग्रंथ जिंदा रखा जाएगा। और यदि भारतीय संविधान पर संचालित होता है, बाबा साहब ने कहा, तो भारतीय संविधान जिंदा रखा है। लेकिन दोनों को कतई नहीं जिंदा रखा जा सकता है। और मैं जब महसूस किया उस बात को, भाषण को जो 26 नवंबर 1956 को दिया, और उसको जब प्रासंगिकता उसका मैंने देखा कि कितने दूरदर्शी से बाबा साहब अम्बेडकर, कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से सबरीमाला में महिलाओं का अधिकार मिला जो हजारों साल से वंचित थी। संविधान की ताकत को बाबा साहब अम्बेडकर एहसास तो किए ही थे, लेकिन जनता नहीं कर पा रही थी, जनता ने भी देख लिया। जनता तो मुझे लगता है आज भी कहीं ना कहीं अनभिज्ञ है, खासकर हमारे जो निचले तबके का समाज है, क्योंकि शिक्षा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। इसीलिए जो समाज को जब इतनी भव्यता से जब सजावट हुई, तो इधर से आने जाने वाले लोगों ने ये जानना चाहा कि आज क्या है। ये जो मन में जो क्वेश्चन उठा लोगों के अंदर कि आज है क्या, क्यों सजा है। किसी ने कल मेरे को, मैं बताऊँ, कल का वाक किया कि एक आदमी आया, बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज ही है क्या, जन्मदिन है क्या, फूल को सोच के देखकर लगा कि जयंती में ही होता होगा। हमने कहा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम भाषण दिया था, कहा था कि भारतीय संविधान सर्वोपरि है। अच्छा जी, आपकी बात को रोकते हुए, उस व्यक्ति ने आपसे कहा आज बाबा साहब का जन्मदिवस है क्या, कहीं ना कहीं हमारे समाज की मानसिकता ये बन गई है कि जब कभी पूरे साल में एक भी दिन बाबा साहब की प्रतिमा को हम साज सज्जित करते हैं तो लोग भ्रम में पैदा होते हैं, उनके दिमाग में भ्रम आता है, तो उस भ्रम को हम कैसे तोड़ें। देखिए, जो कंटिन्यू जब काम नहीं होता है समाज के प्रति, और हम लोग क्या होता है कि आपने बरसाती मेंढक पीला पीला कभी देखा होगा जी। तो वो जब बरसात होती तो पीले कहाँ से निकल पड़ते हैं आपको भी नहीं पता चलता हो कि ज़मीन में कितने अंदर रहते हैं। और हम लोग भी क्या करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आरक्षण कैसे मिला, गोल में मैंने क्या संघर्ष किया, उन्होंने कहा कि बिहारों में जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि बौद्ध दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, उन्होंने कहा तुम अस्पृश्य अछूत दलित नहीं हो बल्कि तुम यहाँ के मूल निवासी बौद्धिस्ट हो, उनको मालूम नहीं। केवल बाबा साहब ने हमको नौकरी दे दिया है, बस ये समझ करके एक जो है खाना पूर्ति करने का काम होता है कि 14 अप्रैल को आए, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित किए, और उनसे ये जब पूछेंगे बाबा साहब का परिनिर्वाण कब हुआ, तो शायद उत्तर ना में मिलेगा जी। क्योंकि उनको, और वो भी 14 अप्रैल का इतना प्रचार हो जाता है, इस वजह से वो चले आते हैं। अब उस मिथक को तोड़ने के लिए जब सजावट, जब उनके अंतिम भाषण को सेलिब्रेट करेंगे, उनके संविधान को सेलिब्रेट करेंगे, तब उनको लगेगा कि नहीं, बाबा साहब तो बहुत कुछ करके गए हैं, बहुत कुछ करना है। इसलिए ये जो इतना भव्य जो सजावट हुआ है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए प्राइमा फेसे प्रथम दृष्टया वो आदमी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फूल तो पता है ना जी। सजावट पता है ना, लाइट पता है ना, तो पता चलता है, लगता है कि आज इनके घर में शादी होने वाली, तभी तो लाइट झालर बत्ती जल रही है। तो ये लाइट झालर बत्ती डेकोरेशन इसलिए हुआ है, ये पैसा खर्च नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं कि 50,000 खर्चा हुआ कि कितना खर्चा हुआ, ये पैसा खर्चा ही नहीं हुआ, केवल विचार को प्रचार प्रसार हुआ, विचार का प्रचार प्रसार हुआ है, ये सब विचारधारा का प्रवाह बना है। इस वजह से ये सजावट आज लोगों के अंदर आकर्षण का केंद्र बना है, और सबसे बड़ा कि संविधान को जानने का भी उनको अच्छा अवसर मिला है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया, शिक्षा में आरक्षण दिया, हम उसे लाभान्वित हुए, उन्होंने नौकरी में दिया, हम लाभान्वित हुए, उन्होंने राजनीति में दिया, हम लाभान्वित। ये अवसर जो समाज को मिला कि देते इतनी बड़ी सजावट, इस अवसर के माध्यम से उनके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश को डालने का हम लोगों ने प्रयास किया है। ये आज का भाव्य सजावट का ये मकसद रहा। जो बुद्ध का जो प्रथम संदेश था यहाँ इस पवित्र भूमि से, और बाबा साहब का भी आखिरी संदेश था, चलते चलते एक सिर्फ आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी पूरे दिन के थके हुए हैं, पूरे 3-4 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं, जो बुद्ध का संदेश और बाबा साहब का जो संदेश था, उसका मूल सार, जो बिल्कुल कहते हैं नींबू का जो निचोड़ होता है, वो क्या है, जिसको हम सरल भाषा में अपने समाज को समझा पाएं, थोड़ा सा आगे। पहले तो एक बात बताएं कि कोई थकावट नहीं है जी, थकावट नाम की तो कोई चीज़ नहीं होता। थकावट तो तब होता है
जब आदमी मन से थक जाता है जी जी जी, अब तो लगता है कि कुछ किया ही नहीं मैंने, अब काम अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत है। और रही बात जो मूल संदेश बुद्ध ने क्या, मूल बुद्ध का जो मूल संदेश था कि समाज में समता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुत्व, बड़ा संयोग देखिए, आज मैं समता टीवी चैनल से मैं बात कर रहा हूँ, बुद्ध का पहला ही वाक्य कि समता हो जी। ये संयोग देखिए आप समता टीवी से भी हैं, तो कितना प्रासंगिक है समता। और बाबा साहब अंबेडकर तो यही चाहते थे ना कि हम जो ये विषमतामूलक समाज है ये समतामूलक समाज बने, तो बाबा साहब अंबेडकर बोले कि समतामूलक समाज बनेगा कैसे, कैसे सवाल खड़ा किया। और एक सवाल देखिए, एक चीज़ मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब बाबा साहब अंबेडकर गोल में सम्मेलन में 12 नवंबर 1930 में जब लंदन में जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत बारीक बात कहा, बारीक बात ये कहा कि हमको लोगों को अधिकार मिलना चाहिए और अधिकार मिल जाएगा तो हमारा कल्याण होगा। तो बाबा साहब अंबेडकर के जब मैं अधिकार की बात किया, प्रतिनिधित्व की बात किया, तो गांधी एंड कंपनी ने कहा कि भारत में जातिवाद होने के नाते, अस्पृश्यता होने के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिमांड ये कर रहे हैं कि हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने कहा कि भारत में जो ये जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो अस्पृश्यता है, ये सामाजिक व्यवस्था है, और सामाजिक व्यवस्था से राजनीति से अधिकार से क्या लेना देना है। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट इस बात कहा कि मैं गांधी एंड कंपनी के लोगों से यह कहना चाहता हूँ, यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है और राजनीतिक मामले के सिवा कुछ नहीं है। हमें जब राजनीतिक अधिकार मिल जाएगा, हम शासन सत्ता में आ जाएंगे, तो हम अपने सारे कष्टों को दूर कर लेंगे। हमें किसी की दया, किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, और उनकी दया और सहानुभूति बालू की दीवार है, इसलिए हमको नहीं चाहिए। और आज जरा देखिए, आज हम लोग अधिकार संपन्न हो गए, शिक्षा में, नौकरी में, पॉलिटिक्स में, आज हम लोग चारों तरफ थोड़ा थोड़ा डेवलप किए, लेकिन जब ही हम लोगों ने डेवलप शुरू किया, थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू किया पॉलिटिक्स में, अब वो धीरे धीरे वो जो है निजीकरण करके नौकरी को ख़त्म करना, JNU में फीस को इतना बढ़ा करके समाप्त करना, ये सब भी एक्चुअल में चाल है कि इनके ग्रोथ को कैसे रोका जाए। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर की एक्चुअल में शासन सत्ता, जो आपने मूल सवाल किया कि क्या मूल संदेश देना चाहते हैं, क्या चाहते थे महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि ये जो SC ST OBC वाला जो मूल निवासी यहाँ का है, ये यहाँ का हुक्मरान बने, ये बहुजन समाज हुक्मरान बने, और जब तक हुक्मरान नहीं बनता है तब तक गरीबी हटने वाले नहीं है, तब तक शिक्षा सबको नहीं मिलेगी, तब तक सबको नौकरी नहीं, सब चीज़ है, शिक्षा भी है, नौकरी भी है, सब है, केवल जो क्रियान्वयन है, जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी है उसका क्रियान्वयन गवर्नमेंट ही नहीं जाती जी, जी, जी। तो उसकी जो मंशा पर खोट है, तो आप जब सरकार बनेगी तो आप नीतियां बनाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और आप लागू करेंगे। गरीबी दूर करना हो, बेरोजगारी दूर करना हो, तो ये सब काम केवल सरकार ही कर सकती है, ब्यूरोक्रेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट का जो आदेश होता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हुक्मरान बनो, इस देश का शासक बनो, राजा बनो, अपने जाके घरों के द्वारों पर लिख दो इसका देश का मैं हुक्मरान बनना है। दूसरी बात उन्होंने कहा, हुक्मरान बनना ही पर्याप्त नहीं है, तुम नीच भी नहीं हो जी, अछूत भी नहीं हो, अस्पृश्य भी नहीं हो, दलित भी नहीं हो, तुम यहाँ के मूल निवासी बौद्धिस्ट हो। और ये बातें समाज में प्रचार प्रसार नहीं, ये दोनों बातों का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है कि बाबा साहब ने अंबेडकर ने इस बात को जो कहा। तो मूल संदेश जो आज अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी से आपके चैनल के माध्यम से जो आपने सवाल किया, उससे मैं देना चाहूँगा कि बाबा साहब का एक दो बात याद रखिए, इस देश में शासक बनने के बारे में सोचो, अपने वोट के जो अधिकार दिया, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू का जो दिया, उससे तुम इस देश का शासक बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, तभी नीतियों का बनाओगे और संविधान का इम्प्लीमेंट कर पाओगे, अक्षर से पालन कर पाओगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं
और उसके बराबर में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। संत आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, संत आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।